हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोलो ट्रैवलर। सो आज हम बहुत दिनों बाद आ रहे हैं एक और नई जर्नी लेके। सो आज हम अभी पूरा रेडी हैं, देख सकते हैं आप। सो अभी आज हम निकल रहे हैं यहाँ से स्टेशन, पहले तो जाएंगे रेलवे स्टेशन और उसके बाद फिर ट्रेन बोर्ड करेंगे। तो कहाँ आज हम लोग जा रहे हैं ये डिटेल्स आपको हम लोग वैसे जा बहुत मजा कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं जर्नी कर रहा हूँ, मतलब ट्रेन जर्नी वैसे, और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग भी आएगा क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था बीच में। सो अब मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं अभी मेरे घर पे, अभी नाम एक को तो आप जानते ही होंगे जिसके साथ मैं गया था पिछले ब्लॉग में, आप लोगों ने उसको देखा होगा। एक नया आ रहा है लेकिन वो बहुत पुराना दोस्त है मेरा, लेकिन अभी उससे मिलेंगे। सो दोनों, एक का नाम है हरिओम, एक का नाम है बंटी, आप लोग जैसा कि जानते होंगे। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और किस ट्रेन से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब डिटेल्स आपको हम लोग आपको रेलवे स्टेशन पे दूंगा। और आज जो जर्नी होने वाली है ना भाई, A1 मतलब आप समझ जाइए A1। बाकी मैं डिटेल्स आपको स्टेशन पे दूंगा, तो चलिए आते हैं सब, तो मिलते हैं आपसे। सो गाइस, देख सकते हैं आप, हम लोग यहाँ पे घर से निकल चुके हैं और ये मयंक चौबे और ये देख सकते हैं हरिओम। सो गाइस, वी आर हियर एट एसी वेटिंग हॉल और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास एसी वेटिंग हॉल। आज हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है 1805 आनंद विहार टू कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो कि रोज़ सुबह में 7:40 पे आनंद विहार से चलती है और शाम में उसका यहाँ पे 7:45 बक्सर में उसका अराइवल टाइम है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल 1 आवर डिले चल रही है। तो अभी वो यहाँ से 40 किलोमीटर अराउंड दूर है। सब उसको आने में और 20-25 मिनट लगेगा। और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं बंटी बैठा है और हमारा जो आज कोच होने वाला है वो होने वाला है A1 सेकेंड AC क्लास। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं, आज की जर्नी जो है बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप लोगों को दिखाते हैं आज AC सेकेंड क्लास का कोच कैसा होता है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का। तो चलिए ट्रेन आती है, फिर ट्रेन में बोर्ड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बक्सर स्टेशन का AC वेटिंग हॉल भी आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं ये हरिओम बैठा है। ये बक्सर स्टेशन का काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी ठीक है। और यहाँ पे ले रहे हैं कोक, चिप्स और एक नट क्रैकर दे दीजिए। और हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया, आ रही है वो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो जल्दी से यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रेन आती है, ट्रेन में बोर्ड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सेकंड क्लास AC कोच कैसा है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का। वैसे मैं लास्ट टाइम भी इसी ट्रेन में जर्नी किया था, आनंद विहार से आया था तक, तो उस समय स्लीपर में क्लास में जर्नी किया था, अभी आपको सेकंड क्लास में दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है, आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए बैकग्राउंड में। और यहाँ इसके इस कोच के जनरल का हाल देख लीजिए कैसा है। बोर्ड कर चुके हैं हम लोग ट्रेन में और ट्रेन बक्सर से डिपार्ट हो चुकी है, तो अभी आप लोग को दिखाते हैं AC सेकंड टायर का कोच। देख सकते हैं कोच आप ही है। तो अब यहाँ पे आप लोग को दिखाता है AC सेकंड टायर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का बाथरूम का वॉशरूम का कंडीशन। सामने मिरर ये टैप वाटर पानी आ रहा है जिसमें कि, और ये हैंड वॉश है इसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैंड वॉश भाई गायब है। तो वॉशरूम में कंडीशन आपको दिखाते हैं, ये कुछ ऐसा इंडियन वॉशरूम है। और अभी वेस्टर्न आपको दिखाते हैं, वेस्टर्न और कुछ ये ऐसा रहा वेस्टर्न वॉशरूम में कंडीशन। टैप वाटर इसमें कि पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये रहा मिरर और ये हैंड वॉश वहाँ पे भी दिया है, पता नहीं इसमें से आ रहा है कि नहीं, इसमें से आ रहा है, चलिए ये सही है। सो ओवरऑल बोला जाए वॉशरूम में कंडीशन थर्ड टायर के मुकाबले ही है, कुछ खास बढ़िया नहीं है बोल सकते हैं। सो अब हमारी ट्रेन यहाँ पे पार कर रही है रघुनाथपुर और हम लोग को जाना है न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है,
और हम लोग सुबह में वेस्ट बंगाल पहुंचेंगे, न्यू जलपाईगुड़ी। सुबह में 7:55 को ट्रेन का अराइवल टाइम है वहाँ पे, लेकिन देखते हैं ट्रेन कब वहाँ पे पहुंचाती है हम लोग को। तो वैसे तो नॉर्थ ईस्ट अच्छी ट्रेन है, लेकिन फिर देखते हैं कब पहुंचाती है, कैसे पहुंचाती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, जहाँ भी नींद खुलेगी या सोने के लिए भी आपको बर्थ दिखाएंगे अपना। उसके बाद मेरा साइड अपर बर्थ है और हरिओम का और भट्टी का जो है साइड लोअर है दोनों का, और मेरा साइड अपर है। तो अभी दिखाते हैं आपको, चले अंदर बर्थ। अभी देख सकते हैं आप मिष्टी दही को, क्वालिटी देखने में अच्छा लग रहा है इसका। अभी टेस्ट करते हैं इसको। हम लोगों ने खा के गंदा मचाया था। स्टाफ बहुत अच्छे हैं, आगे तुरंत साफ ऑफ कर दिया उन्होंने। So, सही है आईआरसीटीसी वाले। और ये देख सकते हैं आप, हम लोगों में अपना आपको बर्थ दिखाता हूँ साइड अपर। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, मैं झारखंड संपर्क क्रांति में जब ट्रैवल किया था तो वहाँ उसमें अपर बर्थ पे चार्जिंग सॉकेट भी दिया था, और इसमें चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट इसमें नहीं दिया है, मिसिंग है। सो वो भी सेकंड क्लास में, जबकि मैं झारखंड संपर्क क्रांति में फर्स्ट क्लास में मैंने ट्रैवल किया, और थर्ड क्लास में मैंने ट्रैवल किया था DDU टू दिल्ली, तो उसमें चार्जिंग सॉकेट था। आप देख सकते हैं मेरे पुराने ब्लॉग्स में जाके। सो सेकंड क्लास में चार्जिंग सॉकेट और साइड अपर पे मिसिंग, ठीक चीज़ नहीं है। बोगी लोगों को कुछ अपग्रेड करना चाहिए। सो चलिए फिर, अब बेड मैंने लगा लिया अपना और अब सोएंगे थोड़ी देर में। सो हेलो गाइस, दिस इज डे टू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो अभी ट्रेन हमारी किशनगंज से निकल चुकी है और NJP न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन अभी पहुंचने वाली है। अराउंड 40 किलोमीटर दूर है हम लोग। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। सो अब हम लोग सामान वामान पैक करते हैं अपना सब चीज़, और फिर उतरने की तैयारी है। और आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ से, कैसा दिख रहा है बाहर का भी। ये देखिए थोड़ा खाना दिखेगा, इसलिए ये मयंक चौबे है। और इसको तो आप जानते ही मिस किया था। अब की बार अच्छा से किया। और ये हम लोग मिस्टी डोई खा खा के यहाँ पे देख रहे हैं गंदगी मचाती है। कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास वाले आके साफ कर रहे हैं तुरंत। उनका सर्विस बहुत सही है IRCTC इस बार। और ये लोग सबसे बड़ी बात कि इस ट्रेन में बिल प्रोवाइड किया जा रहा है, जब बहुत सारे ट्रेनों में नहीं होता है। आप सामान अगर लेंगे तो वो लोग बिल नहीं देते हैं आपको, बोलेंगे कि बिल नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग को IRCTC का बिल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस ट्रेन की। तो नॉर्थ ईस्ट के आप सेकंड क्लास में आप जर्नी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड क्लास से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अपर बर्थ में, अब मैं कल रात में आप लोगों को दिखाया था, चार्जिंग सॉकेट भी नहीं है। सो एक दो कौन से हैं इस ट्रेन के सेकंड एसी में, आप थोड़े काले टाइप का रहे हैं, सही सही से बैठिए। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। आपको जो लाइक एंड शेयर लकी कस्टमर होगा या जो भी होगा उसको मिलेगा ये और भी हमारे नमस्कार। तो चलिए हम लोग उतरते हैं NJP में, फिर आपको दिखाते हैं NJP स्टेशन, रेलवे स्टेशन। बहुत ही सुंदर स्टेशन है वैसे, मैं एक बार जा चुका हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे NJP में। तो फाइनली गाइस, वी अराइव NJP न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। तो अभी देख सकते हैं ट्रेन यहाँ पे लगी है और हम लोग ट्रेन छोड़ चुके हैं। तो अब चलते हैं, निकलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाहर आ गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के, और आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। देख सकते हैं बाहर का व्यू है। ये रहा न्यू जलपाईगुड़ी, ये रही हमारी कैब। अब चलते हैं यहाँ से। सो गाइस, यहाँ से हम लोग फाइनली न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं, और यहाँ से हम लोग को अराउंड 150 किलोमीटर ट्रैवल करना है, वाया माउंटेन्स होते हुए जाना है हम लोग को। सो अभी आप लोग को आए कैसे दिखाएंगे, और पीछे देख सकते हैं ये CA नीरज भैया बैठे हैं हमारे, इनका कोलकाता घर है, कोलकाता रहते हैं। सो इन्हीं के साथ हम लोग का अभी नेक्स्ट ट्रिप जो होने वाला है एकदम धमाकेदार होने वाला है। सो अभी देखते हैं आगे कैसी जर्नी रहती है और दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं लड्डू गोपाल में, 9:50 अभी सुबह में हो रहा है टाइम हो रहा है। और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने,
जैसे कि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं है, सिर्फ मिस्टी डोई खा के रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट डेजर्ट या जो भी बोल सकते हैं उसको, बस अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, मदर डेयरी का था। सो अब चलते हैं यहाँ पे, यहाँ का मेनू आपको दिखाते हैं क्या है कैसा है। वैसे पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे तो बीमार पड़ गया था, इस बार सही हूँ। और अभी देखते हैं, और ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये रहा लड्डू गोपाल। सो ये रहा ऐसा यहाँ का कुछ सीन है। तो ये आगे आगे नीरज भैया चल रहे हैं, सीए हैं। और अभी देखते हैं मेनू। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं लड्डू गोपाल का मेनू। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेनू है इसका, आप पॉज करके देख सकते हैं रेट वगैरह सब की। सो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है आलू टिक्की चाट। तो खाते हैं यहाँ पे आलू टिक्की चाट और आपको टेस्ट बताते हैं कैसा है टेस्ट। सब ब्लॉगर हैं, सब ब्लॉगिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले खाते हैं वहाँ पे, उसके बाद आपको टेस्ट बताते हैं कैसा टेस्ट है। बाल मेरा पूरा बिखर गया, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग का यहाँ पे फूड आ चुका है, मतलब जो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया था, चाट और फ्रेंच फ्राई आ चुका है आपको। और राजा भी आपको टेस्ट बताएंगे कैसा लग रहा है। ये देख सकते हैं, ये फ्रेंच फ्राइज है और ये टिक्की चाट है, आलू चाट है। राजा भैया कैसा है? तो अच्छा लग रहा है राजा भैया को, भी हम लोग टेस्ट करेंगे, उसका आपको बताएंगे कैसा लग रहा है। सो चलिए फिर करते हैं टेस्ट, और फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं। फ्रेंच फ्राइज सही है, दही वही इसमें सब चीज़ डाला गया है, तो खट्टा चीज दाल का टेस्ट आ रहा है, बढ़िया टेस्ट है। और अभी चाट को टेस्ट करेंगे हम लोग। सही है। देखते हैं हमें क्या खाते हैं, मजा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो 12 भी टेस्ट कर ले, टेस्ट कर तू ही बता कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। जेन्युइन रिव्यू देना, तुम जेन्युइन रिव्यू देना। ये नहीं है, ये तो हम खाते हैं, वही बोल रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं। जेन्युइन रिव्यू देना, अच्छा होगा अच्छा, खराब होगा खराब। एक्चुअली फ्रेंच फ्राइज का चाट है ना, जबरदस्ती का चाट है, जबरदस्ती का चाट है। नहीं चाट नहीं, फ्रेंच फ्राइज है वो चाट है, फ्रेंच फ्राइज चाट। अब तुम जैसे स्वीट को जैसे साइट्रस के साथ मिक्स करोगे तो अच्छा नहीं है, मतलब एवरेज बोल सकते हैं, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, सही ना। चलो सो ये आ चुका है हम लोग का छाछ, देख सकते हैं आप। अभी राजा भी आपको टेस्ट बताएंगे, रिव्यू देंगे, जेन्युइन रिव्यू एकदम अल्टीमेट ना राजा भैया। छाछ तो एक नंबर है, अभी हम लोग भी पी टेस्ट करेंगे। बोल, ये पी लो कुछ भी खाने के बाद, बस सब पच जाता है, अल्टीमेट है एक नंबर का। तो अभी हम लोग भी टेस्ट करते हैं। तो हाँ वैसे एक नंबर लग रहा है, जैसे मट्ठा लगता है ना, नमक डाला हुआ है, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन टेस्ट बहुत ऑसम है एकदम। अब हमारे पास आ चुका है ये समोसा चाट, उस समय आलू चाट था, ये समोसा चाट आया है, फेक नहीं है, और समोसा चाट का वो डीएस में रखा है, देख सकते हैं आप। ये समोसा चाट है, थंकी कैसा है, कैसा है भैया, भाई भाई कैसा लग रहा है। अभी टेस्ट करते हैं हम भी, हम्म,
बहुत सही है, मतलब अभी तक जो तीन आइटम हम लोग खाए हैं, आलू चाट और फ्रेंच फ्राई चाट, और ये तीनों में सबसे बेस्ट रही है अभी तक, अब तक का। एक नंबर। सो गाइस, अब हमारे पास आ चुका है टिक्की चाट, और अभी आपको इसका टेस्ट रिव्यू देते हैं। हम ट्रैवल ब्लॉगर कम फूड ब्लॉगर ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। और ये देखिए, ये टिक्की चाट है, कैसा लग रहा है? मतलब अब तक का सबसे समोसा से अच्छा है कि समोसा? समोसा के लेवल का है। समोसा के लेवल का है तेरे को बंटी? मेरे को समोसा से क्यों, तू हैप्पी नहीं लग रहा है, बहुत सैड सैड लग रहा है, दांत दिखाओ। राजा भैया फोन पे भेजिए, नहीं तो उनसे भी रिव्यू लेते हैं, ज़्यादा सीए लोग को डिस्टर्ब नहीं किया। हेलो, ठीक है ना? तो चलिए फिर हम टेस्ट करते हैं। मेरे में पूरा दही वाला सेक्शन आ गया, तो थोड़ा खट्टा लग रहा है मेरे को, तो थोड़ा मिक्स करके लेते हैं। समोसा के लेवल का है, मेरे को पर्सनली समोसा इससे ज़्यादा बेटर लगा, मतलब इससे अच्छा लगा मेरे को, चंडी को लेवल का लग रहा है, लेकिन मेरे को समोसा ज़्यादा बेटर लगा। तो यहाँ का समोसा चाट खा सकते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट वेकफास्ट सब चीज़ हम लोग का फिनिश डन, अब यहाँ से वी आर ऑल सेट टू लीव। सो हम लोग यहाँ से निकलते हैं नॉन स्टॉप 140 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स के अराउंड हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। सो 140 किलोमीटर है ना, हरिओम, सही बोल रहे हैं ना? नहीं, हाँ, फिर कितना? 100 के अराउंड है। सो 100 के अराउंड है अभी हम लोग को ट्रैवल करना है। सो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत मस्त एकदम नेचर दिखाएंगे आप लोगों को, माउंटेन्स का व्यू। सो मिलते हैं आपसे रास्ते में, जिससे हम लोग जा रहे हैं इनोवा क्रिस्टा। सो बैठते हैं अब इसमें। फाइनली वी आर लिविंग, तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो यहाँ पे अभी हम लोग एलिफेंट रिजर्व जोन, ये पूरा सब अभी हम लोग दिखा रहे हैं, ये पूरा एलिफेंट रिजर्व जोन है, देख सकते हैं आप, ये पूरा फॉरेस्ट के बीच से रोड बनाया गया है और चारों तरफ, और यहाँ पे कभी भी रोड पे एलिफेंट या कुछ भी आ सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे ड्राइव केयरफुल करना पड़ेगा। बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही डेंस एरिया है ये, बहुत ही ज़्यादा, और ये ऐसा एरिया है फॉरेस्ट, यहाँ पे अगर आप आके आते हैं तो फंस जाएंगे अगर इधर आप, तो आपका फ़ोन में नेटवर्क डेड, फ़ोन आपका डेड हो जाएगा अगर आप रात उसमें इधर गए फंस गए तो गलती से भी। सो ये थोड़ा देखने वाली बात है, मतलब सो इधर नेटवर्क आपके मोबाइल में कोई सा भी सिम हो, मेरा जियो है, पीछे एयरटेल भी है, किसी का यहाँ पर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, सब नेटवर्क है। शामे मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। एक सीन हो गया, हम लोग को सारे जितने बॉटल्स हैं पानी वाले, या अभी तो दो बॉटल था जो पानी फुल था, सो हम लोग को बॉटल्स यहीं पे सिक्किम बॉर्डर आ गए हैं, यहीं पे हम लोग को बाहर बॉटल फेंकना पड़ेगा। सो पानी वहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, मेरे को पानी फिनिश करना पड़ेगा, सो कोई ऑप्शन नहीं है, बोतल कोई भी अलाउड नहीं है। सो प्लास्टिक 1 लीटर हाफ लीटर अलाउड नहीं है, प्लास्टिक 1 लीटर और हाफ लीटर अलाउड नहीं है, ये जैसा कि भैया बता रहे हैं। सो हम लोग को सारे बॉटल्स यहीं पे साइड में, यहीं पे साइड में मेरे को हम लोग को ड्रॉप कर देना पड़ेगा, कोई आके यहाँ पे कलेक्ट करने वाले लोग होंगे जो भी कचरा उठाते हैं लेके चले जाएंगे। सो
ये सिक्किम गवर्नमेंट जो है बहुत सही स्टेप उठाई है, प्लास्टिक के बोतल पे बैन लगा दिए 1 लीटर और 1/2 लीटर पे। तो क्या लगता है तुमको चंकी, सही डिसीजन है या गलती? एकदम सही। एक और बढ़ने लगे जो, एक डोर बंधने लगे जो, एक शोर करने लगे जो दो दिल, एक चाल चलने लगे जब, एक ढाल ढलने लगे जब, एक थाल चखने लगे जब दो दिल जुड़ने लगे लगे दो दिलों के जब किनारे उड़ने लगे। यहाँ पे सब लोगों ने मास्क लगा लिया है। सो गाइस वी आर फाइनली अराइव्ड आवर होटल, सो अभी आपको दिखाता हूँ। उतर के आपको दिखाते हैं, ये है सुंदर रिजॉर्ट यहाँ पे माजीतार में। उठ के आपको फुल डिटेल दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली वी अराइव्ड टू आवर होटल। सो ये सुंदर होटल है, होटल एंड रिजॉर्ट है दोनों है। सो देख सकते हैं और उनका लगेज उतर रहा है। सो ये ऐसा कुछ है, इधर पहाड़ के साइड का ऐसा रिजॉर्ट और होटल मिलेगा, ऐसा कुछ हमारा रिजॉर्ट होटल है। अंदर चलता हूँ, उसके बाद आपको टूर दिखाता हूँ। बैग लेते हैं। तो गाइस हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, आपको अंदर तो यहाँ पे चेक इन वगैरह करना पड़ेगा। सो ये होटल एंड रिजॉर्ट है, तो करते हैं यहाँ पे चेक इन, उसके बाद अंदर आपको फिर दिखाते हैं। तो हम लोग को रूम मिल चुका है और अभी एक ही रूम मिला है हम लोगों को, क्योंकि एक रूम अभी साफ हो रहा है। तो बोले आप आधे घंटे एक रूम में वेट कर लीजिए, मतलब एक रूम में, उसके बाद आधे घंटे बाद दूसरा रूम अवेलेबल हो जाएगा। सो आपको रूम टूर देता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको रूम कैसा रूम है। सो ये कुछ हमारा रूम है ऐसा, ये देख सकते हैं आप, और ये पड़ गए बंटी आते ही। और ये बेड है, और ये वॉशरूम है यहाँ पे, और इसमें बेस्टान है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए सही है, और ये यहाँ पे मिरर लगा है, आप देख सकते हैं। ये सोफा है बैठने के लिए, ये टेबल है वर्क करने के लिए, और यहाँ पे टीवी लगा है, कंपनी हायर का ही सब। और हाँ यहाँ पे सारी चीज हायर के यूज हुए हैं, एयर कंडीशनर भी। और ये आपको एक मिलता है कपड़े उपड़े रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए, अलमीरा। तो ऐसा कुछ व्यू है, और बाहर निकलने पे ये सामने पहाड़ ही बस आपको दिखेगा। सो ऐसा कुछ व्यू है हमारे रूम का, और ये नीचे ये। सो सुंदर नज़ारा, फैन भी है इसमें। सो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद, कुछ खाना वाना खाएंगे या देते हैं आपको थोड़ी देर में। सो यहाँ पे हम लोगों ने फूड ऑर्डर किया था, जो खाना अब आ चुका है और इस होटल का, और भी आपको फूड दिखाते हैं। सो ये देख सकते हैं, ये है बटर पनीर मसाला है, ये मिक्स वेज है, और ये फ्राइड राइस है, और ये रोटी है। तो खाना का क्वालिटी अभी टेस्ट करेंगे तो फिर आपको रिव्यू देंगे कैसा है। देखने से तो उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, क्या पता खाने में कैसा हो। सो लेते हैं हम लोग एक बाइट और देखते हैं कैसा है टेस्ट। एवरेज ही कह सकते हैं, कुछ खास नहीं है। तो फिनिश करते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं आपसे। खाना तो खा लिया, खाना एकदम बेकार था, जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, एकदम ही बकवास खाना था। तो अब डेजर्ट आया हम लोग के लिए, और क्या है दिखाओ क्या डेजर्ट में, ये रसोगुल्ला है।
काला जामुन है, गुलाब जामुन है, तीन नाम है इसका। तो और ये स्ट्रॉबेरी शेक, देखिए तीन स्ट्रॉबेरी शेक आए हैं, एक आया है बटर मिल्क, बटर मिल्क पियेंगे राजा भैया। देखिए यहाँ पे डेजर्ट भी खाने लगने, डेजर्ट भी एकदम बेकार है। और तू बंटी रसगुल्ला तेरे को भी खराब लगा? रसगुल्ला खराब है, चलो ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं शेक कैसा है, ये बटर मिल्क कैसा है राजा भैया? घटिया एकदम शेक। क्या हुआ? अबे देखने में इतना सुंदर लग रहा है। ओ भाई साहब लिटरली बेकार लगा था। क्या हुआ देखी तो धनी पी के देख खट्टा मालूम लग गया लग रहा। अंदर के ठीक है अंदर के ठीक है तो इन लोग को खराब लगा। अब मैं ट्राई करता हूँ, लेट मी ट्राई। तो पानी जैसा लग रहा है। पूल में भीड़ था, लोग नहा रहे थे। सो अभी चलते हैं, हरिओम आ रहा है पीछे से, अभी गेट लॉक कर रहा है वो। सो उसके बाद चलते हैं पूल में और फिर नहाएंगे अभी पूल में हम लोग जाके। यहाँ से कुछ ऐसे आने का ये है टॉपो, हमारा रूम 301 है और ये 400 400। सॉरी कौन सा रूम है? अच्छा हाँ यही रूम है, यही रूम है, सॉरी। तो आगे अब चलते हैं हम लोग नहाने। सो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं पूल की तरफ और वहाँ पे हम लोग कॉस्ट्यूम मिलेगा, स्विमिंग ड्रेस, फिर हम लोग पूल में उतरेंगे। सो देखते हैं अभी क्या सीन है, कैसे होता है सब चीज़। सो चल रहे हैं अभी रिसेप्शन काउंटर पर, वहीं से शायद कॉस्ट्यूम कलेक्ट करना है। So guys, यहाँ पे हम लोग पूल में कूद चुके हैं, नहा आ रहे थे, फ़ोन मैंने लॉकर में रख दिया था इसीलिए फ़ोन वो ब्लॉग नहीं बना पाया। सब लेके आए हैं फोन। सो ये कहाँ गया वो और ये कहाँ गया? अच्छा यहाँ पे है, ये देखिए ये यहाँ पे और ये मैन चौबे यहाँ पे है। अभी हम लोग कूदेंगे पूल में तो आपको देखने, पूल है ये देख सकते हैं, ये पूल है और अभी हम लोग काफी देर तक नहाने के बाद शाम के बज रहे हैं 7 और एकदम थक गया है मैं एकदम, और फिर अपने रूम में आ गए हम लोग और कुछ खाएंगे फिर सोएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।